आज का दिन इसलिए अहम है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं कश्मीर, और कश्मीर में उन्होंने 2 लाख की गैदरिंग से बख्शी स्टेडियम में एड्रेस करना है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये बात बताई जा रही है कि कश्मीर में पीएम मोदी 6,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने वाले हैं। काबिज भारतीय फौज ने इलाके के दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर दिए, और काबिज इंतजामिया ने इलाके में इंटरनेट, मोबाइल फोन जो सर्विसेज हैं उनको मुअत्तल कर दिया। अगर मोदी सरकार विजिट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका कोई एजेंडा ठीक तो नहीं होगा, बिकॉज जो हमने पीछे सारा हिस्ट्री देखी है वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अपना फोर्सफुल इंप्लीमेंट ही करने आते हैं। कभी भी उन्हें जो हमारे वहाँ पे मुसलमान एग्जिस्ट कर भी रहे हैं जो भी, तो उन पर कोई उन्हें राइट्स तो नहीं देंगे। 1948 से लेकर अब तक कश्मीर का मसला अकवामे मुत्तहिदा के एजेंडे पर हम देख रहे हैं एक तवील अरसे से जी हल तलब है, लेकिन इसका हल अभी तक सामने नहीं आया। और फिर भारत की दरअंदाजियों का सिलसिला जो पहुंचा 370 ए, फिर 370, फिर 35 ए, जो मखसूस हैसियत कश्मीरियों की खत्म की गई। और अब हम एक मजीद इसमें नया मोड़ ये देख रहे हैं, जो मकामात हैं, मसाजिद हैं या दीगर जो अकलियतें हैं उनके जो मकामात हैं, इबादत गाहें, उनके साथ जो सलूक हो रहा है। फिर भी भारत अपनी हठधर्मी करता रहता है, दुनिया उन नजरें चुरा के जी भारत के साथ कंडेम तक नहीं करते, भारत के साथ उनके ताल्लुक आते हैं। वहाँ का कंपैरिजन करें, आजाद कश्मीर में इस वक्त ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनको ये नहीं पता कि बिजली क्या चीज है। सर ये मैं आपको एक दफा नहीं 101 गांव ऐसे दिखा सकता हूँ। और दूसरी साइड आप अगर बॉर्डर का कंपैरिजन करें तो बॉर्डर के साथ साथ उन्होंने जंगल में इंडियन आर्मी जहाँ पे रह रही होती बिल्कुल है। जंगल में उनकी लाइट्स हैं जो 24 आवर्स अवेलेबल। अब केरन पॉइंट के पास जाएं। उसी जानी भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमानों को कत्ल करने की खुलेआम धमकियों पर मोदी सरकार की खामोशी को अमरीकी अखबार ने तनकीद का निशाना बनाया है। खुली बर्बरियत हो रही है, फिर भी आलमी बिरादरी भारत के हवाले से उतना सख्त मौकिफ मेरा नहीं ख्याल ले पा रही। आप बताइएगा अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हो। यहाँ तक कश्मीर के लिए वो मतलब क्यों कश्मीर के साथ देंगे जब वो के मुसलमान है, और मोदी जो खुद एक भारतीय है वो कैसे मुसलमानों का वो उनके जज्बात कैसे वो समझेगा। लेकिन ये है कि जो उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के साथ कर दे वो क्यों नहीं कर रहे हैं। अच्छा। वो मतलब वो भारत का हिस्सा बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आप सबको पता होगा तकरीबन 4 साल बाद मोदी जी आज कश्मीर विजिट पर गए हैं, और उनके सभा में तकरीबन 2-3 लाख के करीब लोग प्रेजेंट रहने का अनुमान है। 1 लाख भी लोग आए, 2 लाख छोड़ दीजिए, अगर 1 लाख भी लोग आए तो ये बड़ी बात होगा, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि नहीं भारत कश्मीर पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है, वो सारा प्रोपेगेंडा फेल हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर में तो कोई हिंदू पॉपुलेशन है नहीं। आप उनको मोदी जी के सभा में ले आओगे, अगर 1 लाख 1.5 लाख या फिर 2 लाख लोग आते हैं तो फिर ये बताता है कि भारत ने पिछले कई सालों से कितना अच्छा काम किया है, ताकि लोग अपनी इच्छा से मोदी जी को देखने या फिर उनके भाषण सुनने आए हैं। इसके साथ साथ मोदी जी तकरीबन 6,000 करोड़ के 6,500 करोड़ का पैकेज कश्मीर को देने वाले हैं, जो पाकिस्तानी रुपया में तकरीबन 20,000 करोड़ बनता है, और तकरीबन 2-3 बिलियन डॉलर पाकिस्तानी अगर करेंसी में देखें तो लगभग 2.5 बिलियन डॉलर के आसपास बनता है। इतने रकम के लिए तो पाकिस्तान UAE समेत बाकी देशों के लिए भीख मांगने के लिए हाथ एक तरीके से कह सकते हो आगे करता है। अब पाकिस्तान में इनिशियली जो भी रिएक्शन इस बात को लेकर है, आप एंजॉय करिए, मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 6,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स वो अनाउंस वहां पर करने लगे, और सिर्फ यही नहीं बल्कि प्लान ये है कि भारतीय वजीर आजम वहां पर लोगों को, कश्मीरियों को ये बताएंगे कि अब तक जो कश्मीर में तरक्की हुई है वो क्या क्या हुई है, कश्मीर में अब तक उनकी हुकूमत क्या कुछ कर चुकी है, और लोगों के लिए क्या काम किए जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट किए जा चुके हैं और शुरू हो चुके हैं, और अब आगे उन्होंने जो 6,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने हैं उसमें वो क्या करने का इरादा रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि ये भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का दौरा 2019 के बाद फर्स्ट विजिट है, यानी कि एब्रोगेशन के बाद 370 आर्टिकल के बाद ये फर्स्ट विजिट है उनका वहां पर, और इसलिए ये विजिट बहुत ज्यादा अहम कहा जा रहा है। ये देखिए कि जब वहां पर अब ऐलानात किए जाएंगे और भारतीय वजीर आजम जो है उनको बताएंगे कि देखिए जो UAE की कंपनी MR है वो यहाँ पर आकर काम कर रही है,
और कौन से कंट्री की, सऊदी अरेबिया और दूसरे कितने कंट्रीज हैं के जहाँ पे जिनके ये वाले प्रोजेक्ट्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा, मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर इस तरह की जो है ट्विटर पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी चल रही थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि वो बड़ा ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है वो चौक और श्रीनगर को, और वहां पर ऐसा लग रहा है जब वो, बल्कि एक किसी ने ये लिखा उसके ऊपर कि क्या वाकई ये श्रीनगर है, तो फिर उसके बाद उसके ऊपर लिखा गया कि हाँ वाकई ये श्रीनगर है, और किसी ने ये पूछा कि ये तो मुझे लग रहा है कि किसी बाहर के कंट्री का जो है ये सीन नजर आ रहा है कि इतनी जबरदस्त तरीके से वहां पर ये सिनेरियो इस वक्त है। उनका हाँ जी ये लगता ऐसे ही है कि किसी यूरोपियन कंट्री का सीन नजर आ रहा है लेकिन है श्रीनगर का। तो ऐसे तरीके से उन्होंने वहां पर जो है वो सजावट की है और उसको तैयार किया है वेलकम करने के लिए अपने भारतीय जो वजीर आजम है उनको, और इसी के साथ जो सिक्योरिटी है वो बहुत सख्त है, बहुत हाई अलर्ट है और बहुत बड़े लेवल पर जो है सिक्योरिटी भी है और इंतजाम भी है। नजदीक अगर ये उनका बहुत यानी कि इंटेलिजेंट फैसला ही होगा कि वो इंडिया के साथ शामिल हो जाए, उन्हें इकनॉमी को देखना चाहिए पाकिस्तान की और इंडिया की, उससे कंपेयर करके जाहिर है उन्हें अपना फायदा देखना चाहिए। यहाँ तो हमें खुद अपने लाले पड़े हुए हैं, किसी और को क्या ही कर सकते हैं। जब आप किसी के लिए कुछ स्टेप नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कश्मीर की बात वहाँ, जी जी मैं कश्मीर की बात कर रही हूँ। वहाँ पे लोग देखे ना, एक इबादत हर मुसलमान का हक होता है, लेकिन वहाँ पे लोग जो है वो ज्यादा ना इबादत नहीं कर सकते हैं। जो उन पर जुल्म होता है, जब उनके कत्ल किए जाते हैं, क्या वो नहीं आप देखती हैं? कहाँ कत्ल हो रहा है आप नहीं देखती हैं? आए दिन खबरें जब आती है कि कश्मीर बेबस है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर की जो इलाका बताया ना जहाँ जुल्म हो रहा है सारे कश्मीर के ऊपर, जहाँ हमारे मुसलमान बहन भाई रहते हैं वहाँ पे। मैं यही बात कह रही हूँ, कौन वहाँ की कंडीशन जानता है, किसी को क्या पता कि अंदर के हालात ही हैं। वो लोग पूरी दुनिया को कौन सा चेहरा दिखा रहे हैं, हु नोस। आर्टिकल्स भरे पड़े हैं गूगल पे अगर हम सर्च करें तो। जी आर्टिकल्स देखने बैठे तो हमारे कॉलम निगार बैठ के कुछ भी लिख सकते हैं। हमारे कॉलम निगार कभी भी पॉजिटिव नहीं लिखेंगे उसके बारे में। नहीं, वहाँ के कॉलम निगार बैठे कुछ भी लिख सकते हैं। आजाद कश्मीर से तो वो बहुत ज्यादा आगे हैं, उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा हुई हुई है और इंडिया वहाँ पे अपना पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पाकिस्तान में तो इन्वेस्टमेंट हमें हमारे अपने सूबों की नहीं मिल रही, तो फिर कश्मीर को तो वैसे इग्नोर करके उन्होंने साइड पे किया हुआ है, लेकिन जब बात आती है इंडिया से लड़ने की तो सबसे पहले पाकिस्तान आगे आ जाता है और अपना हक मांगना शुरू कर देता है। क्या एजेंडा लेकर जा रहे हैं वो? आपकी, आपने बोला आपने हिस्ट्री पढ़ी है ना, पीछे से आपने हिस्ट्री देखी है, तो उनकी हिस्ट्री कैसी रही है कश्मीर के लिए? मोस्टली जो उनका एजेंडा होता है वो पोजेशन होता है, मतलब वो लैंड को ऑक्युपाई कर रहे होते हैं। हालांकि चाहे वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहे, हमें राइट्स नहीं मिल रहे, बट उन्हें इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ा होता है। लेकिन देखिए, अगर हम इंडिया में ही देखें ना, मैं कश्मीर की बात ही नहीं करती हूँ, इंडिया में भी जो मोदी सरकार ने जो भी पॉलिसीज बनाई है, जो वो मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट थी, जैसे वहाँ पे सिख ब्रदर्स हैं, उनकी पॉलिसी एक पॉलिसी बता दें। मोस्टली मैंने देखा था कि वो लोग जैसे जिस उनका कोई रिहायशी इलाका है, मतलब बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है, तो वो मोस्टली उसको बुलडोजर वगैरह फेर के उसको क्लियर कर रहे थे। देखिए, अब तो ये न्यूज अभी दिन में आया है और शुरुआत ही कुछ चैनल में ही छोटा मोटा डिस्कशन हुआ है। आज रात को बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगा उनके प्राइम टाइम में, शायद डिस्कशन होगा, क्योंकि कश्मीर तो उनका मेन एजेंडा है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान आर्मी का एग्जिस्टेंस ही कश्मीर पर है। कश्मीर विवाद जितना देर तक चलेगा पाकिस्तान आर्मी को उतना फायदा होगा, पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तान पर कंट्रोल करने में एक तरीके से कह सकते हो उतना आसानी होगा या फिर वजह मिल जाएगा। कश्मीर प्रॉब्लम अगर सॉल्व हुआ, ज़्यादा नुकसान तो पाकिस्तान आर्मी को ही है, इसी वजह से वो कश्मीर विवाद बढ़ाना, मतलब हमेशा विवाद को रखना चाहते हैं ताकि वो उसमें फ़ायदा अपना ढूंढ पाए। लेकिन अल्टीमेटली देखोगे तो अब प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान को ही नुकसान हो रहा है और आने वाले टाइम में उनका हालात जो है और बदतर बनने वाला है। लेकिन अगर आप हम कश्मीर पर बात करें, भारत सरकार जितना डेवलपमेंट किया है, मैं पहले तो कंपेयर होता था कि नहीं भारत के कश्मीर और पाकिस्तान के कश्मीर में क्या अंतर है, अब आप पूरे पाकिस्तान को ही कश्मीर के साथ कंपेयर कर सकते हो जितना कश्मीर अब डेवलप्ड है। पाकिस्तान में कोई डिस्ट्रिक्ट या कोई बड़ा शहर भी शायद उतना डेवलप हो, एक दो सिटी अगर हम छोड़ दें तो ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए। 70 साल कश्मीर कश्मीर करते करते वो कितना पीछे चले गए हैं, और जिस कश्मीर को आगे रखकर विवाद को भारत के खिलाफ बढ़ाते हैं वो कितना आगे जा चुका है, और प्रेजेंट टाइम में वो जो गैप बढ़ा है वो कभी फिलअप भी नहीं होगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। इस बात को लेकर और भी जो डिस्कशन पाकिस्तान मीडिया में होगा, मैं आप सबके सामने जरूर इस वीडियो को लाऊंगा। आप इस टॉपिक पर जो भी राय रखते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।